पर इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के लिए इम्तिहान बन गया है। अरकान कहाँ हैं कहाँ नहीं कुछ नहीं पता। चेयरमैन पीटीआई ने इतराफ़ कर लिया है कि अभी नंबर्स पूरे नहीं हैं। अरकान जल्दी आए, लेकिन फवाद चौधरी खूब दावे कर रहे हैं कि नंबर्स पूरे हैं। अपोजिशन पर भी हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाने से वो बाज नहीं आ रहे। मुझे पता है हमारे थोड़े से लोग अभी पहुंच रहे हैं। मैं आपके भी पूरा स्कोर फॉलो कर रहा हूं कि अभी तक नंबर किधर तक पहुंचा है। हमारा विक्ट्री टारगेट है वो ज्यादा दूर नहीं है। तख्ते पंजाब का मैदान, 186 का जादुई नंबर, कप्तान और परवेज इलाही के लिए कड़ा इम्तिहान। खान साहब नंबर्स पूरे ना होने का बरमला इतराफ कर रहे हैं, तो फवाद चौधरी के बड़े बड़े दावे कम नहीं हो रहे। अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि परवेज इलाही एतमाद का वोट देंगे और हम असेंबली डिसॉल्व करने में कामयाब होंगे। 5 MPs को 1,20,00,00,000 की ऑफर की गई। परवेज इलाही साहब के पीछे पूरी पार्टी खड़ी है और आज मुझे पूरी और परवेज इलाही साहब हमारे पीछे पूरे खड़े हैं। फवाद चौधरी के दावे को अतः तारण मानने पर राजी नहीं, लेकिन रहनुमा ने सवाल उठाया कि नंबर्स पूरे हैं तो एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया जा रहा। धक्काशाही और धांधली करने की इजाजत नहीं दी जाएगी कि दरवाजे बंद करके आप क्लेम कर लें। इनके 12 मेंबर इस वक्त नहीं है, फवाद चौधरी साहब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 21 अराकीन की गैर हाजिरी ने भी हुक्मरान इत्तेहाद के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। पार्लिमानी पार्टी में 160 अराकीन शरीक हुए। खरीदो फरोख के इल्जामात पर पीटीआई अराकीन अपनी ही कयादत के खिलाफ इमरान खान के सामने फट पड़े। कहा हमें कोई खरीद नहीं सकता। ऐसी बातें इज्जत नफ्स को मजरूह करती है। तबलीगी रहनुमा अता तारड़ ने फवाद चौधरी